हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? इन प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस, सिद्धांत, जो कि ओवर द एक्सपीरियंस मिलते हैं। जैसे आपके घर में भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे जो आप फॉलो करते होंगे। कई बार आपको लॉजिक भी नहीं पता होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस फैमिली में चली आ रही है, आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपको ये श्योरिटी जरूर होती है कि वो जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हम घर में फॉलो करते हैं, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के दौरान बनाई गई है गाइडलाइंस। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर हेनरी पियोल ने अपने एक्सपीरियंस को एक किताब में लिखा और कुछ गाइडलाइंस दी कि अगर आप ऐसा करते हो इन सिचुएशन में तो आप उसको बेटर मैनेज कर पाओगे। तो वो गाइडलाइंस को हमने नाम दिया प्रिंसिपल्स। हेनरी पियोल ने किताब लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को समराइज किया और 14 प्रिंसिपल्स की फॉर्म में उसको दिया, जो काफी फेमस हुई बहुत ज्यादा। इसलिए अब बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इन प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है और एज ए करिकुलम हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही काम आते हैं, आपकी पढ़ाई में भी काम आ सकते हैं, आपके घर पे भी काम आ सकते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट में पढ़ा था, दिस इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो हर जगह प्रिंसिपल्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं, इवन आप इनको अपनी पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी पियोल। ये कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर। इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो इस चैप्टर के दौरान हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी पियोल। इसमें हमारा पहला प्रिंसिपल जो आता है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि पहले लाइन पढ़ लें, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, आप यहाँ पर ही कह सकते हो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट ये क्या होता है, लाइक सीनियर एंड जूनियर। ठीक है, सीनियर और जूनियर को हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के नाम से यहाँ पर डिनोट करेंगे। सुपीरियर यानी कि आप कह सकते हो सीनियर, और सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर। ठीक है, तो मैं सुपीरियर बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये बेचारे एक एम्प्लॉई है। हाँ बोलो, सारे एम्प्लॉय बेचारे ही होते हैं। ठीक है, अब इसको, इसके एक बॉस ने, मिस्टर ए ने इसको ऑर्डर दिया एक काम करने का। इसको पता है, इसको मालूम है कि भैया मुझे इनका ऑर्डर फॉलो करना है और काम करना है, मेरा सीनियर है भाई, काम तो करने पड़े। लेकिन एक और मैनेजर थे जो से सीनियर थे, मिस्टर बी, अगर इन्होंने भी इसको ऑर्डर दे दिया तो ये बेचारा, अब बेचारा वाकई हो गया। क्यों बेचारा हो गया? अभी कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी बात माने, ए की बात माने, बी की बात माने, दोनों सीनियर है ना। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है कई बार स्कूल में हो जाता है? कैसे भैया, एक टीचर ने कहा कि भैया मैथ्स के टीचर ने कहा मेरा पीरियड में आना, आपको अटेंड करना है, और सेम टाइम पर आपको अकाउंट्स का टीचर बोल रहा है कि मेरा पीरियड आपने अटेंड करना है, तो आप फंस गए। आप बोलोगे फंसे कहाँ सर, हम तो जो अच्छा लगता है उसमें चले जाएंगे क्लास में। अगर आप अकाउंट्स की क्लास में चले गए तो मैथ्स का टीचर डांटेगा, मैथ्स की क्लास में चले गए तो अकाउंट्स का टीचर डांटेगा, बन गए आप बेचारे। तो अब आप सिचुएशन को समझो कि आपको दो जगह से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, दोनों को आपको फॉलो करना है, दोनों आपसे सीनियर हैं, तो प्रॉब्लम तो आपके सर पे आ गई। ठीक है, टू द बेस्ट आप कोशिश भी करोगे कि चलो दोनों की बात को मान लिया जाए, बट प्रैक्टिकली कैसे करोगे आप? तो हेनरी पियोल का यही कहना था कि जो एम्प्लॉई होता है उसको इंस्ट्रक्शन एक ही जगह से मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो जो एम्प्लॉई है जिसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो आंसरेबल भी एक ही पर्सन को होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? जैसे अगर मैं ये बोलूं ये सिचुएशन इनकरेक्ट है, सिचुएशन करेक्ट क्या हो सकती है? देखिए, सिचुएशन एक करेक्ट हो सकती है कि एक ही सुपीरियर हो जो एक सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे और ये इसी को ही आंसर दे, आंसरेबल।
दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। अब इसको ना आप एक तरीके से मैं आपको बता के दिखाता हूँ, आप इजीली इसको लर्न भी कर सकते हो और एग्जाम में प्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है? आप इसको प्रेजेंट भी करना चाहो वो भी कर सकते हो आप। देखिए कैसे, लेट्स सी, अगर ये वाली सिचुएशन दी जाती है आपको एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए, आप ऐसा दे सकते हो giving instruction to person giving instruction to one, this is wrong, yani yahan par unity of command follow nahi ho raha, lekin agar ek superior do subordinate ko instruction de raha hai to yahan par unity of command follow ho raha hai. ab diagrammatically aap isko present kar sakte hain in pictorial form, theek hai ki bhaiya ye first case ke andar mein unity of command follow nahi ho raha, जबकि सेकंड केस में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। अब इस लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं, ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम एंड दैट एम्प्लॉई शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। गॉट इट? ये प्रिंसिपल हेनरी प्योर ने दिया। अब हम इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, क्या? अब हम पढ़ते हैं अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, यानी कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, ठीक है? और साथ साथ हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव फैक्टर्स, यानी कि देखो हर चीज का कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट तो होता है, ये साइड इफेक्ट। तो हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल अगर हम फॉलो नहीं करते तो नुकसान क्या हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि फॉलो करने पर साइड इफेक्ट भी होता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स हियर, पहली बात फायदे क्या होंगे, पॉजिटिव फैक्टर्स, फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव फैक्टर्स, यानी कि अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, राइट? क्लियर? पहला पॉजिटिव फैक्टर, अगर हम इसको फॉलो करते हैं, नो कंफ्यूज द सिचुएशन फॉर द सबॉर्डिनेट। अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि जो सबॉर्डिनेट है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि मुझे किसके ऑर्डर को फॉलो करना है, वो एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से अपने सुपीरियर यानी सीनियर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएगा और उसको करेक्ट आंसर भी दे पाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, एफिशिएंसी ऑफ बोथ कौन कौन, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, दोनों की इंक्रीज होगी, क्योंकि भैया जूनियर यानी सबॉर्डिनेट को मालूम है मुझे क्या काम करना है और सुपीरियर को यह भी मालूम होगा कि किसको क्या काम दिया गया है और कौन आंसरेबल है, तो इससे दोनों की एफिशिएंसी बढ़ती है, सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट। तीसरा फायदा, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स करना काफी आसान हो जाएगा। अगर एक पर्सन को दो दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं होगा। कैसे? देखो सर, वैसे उसी एग्जाम्पल को दोहराता हूं, मिस्टर ए ने भी ऑर्डर दिया और मिस्टर बी ने भी ऑर्डर दिया और इनसे मिस्टर चंपकलाल से पूछा गया कि मिस्टर ए ने पूछा कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, बोलता जी कैसे करता, मिस्टर बी ने भी काम दे रखा था मैं उसको कर रहा हूँ। मिस्टर बी ने पूछा भैया मेरा काम क्यों नहीं हुआ, बोलता मिस्टर ए ने काम दे रखा था सर, वो भी सीनियर, मैं उनका काम कर रहा था। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर चंपकलाल ने दोनों को चंपक भूमिया बना दिया, समझ गए मेरी बात, बन गए ना दोनों। तो कायदे से देखा जाए यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं होता, क्लियर? चलिए इसको एक बार इरेज कर देते हैं और हम चलते हैं नेगेटिव फैक्टर्स की ओर। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर। इसका क्या मतलब है, देखो हमने एग्जाम्पल में लिया था मिस्टर ए, मिस्टर बी और ये बेचारा मिस्टर चंपकलाल। मिस्टर चंपकलाल भूमिया ने एक की बात को मान लिया और पूरा कर दिया तो बी की ईगो जो है वो इंजर्ड हो जाएगी, ईगो ईगो पर ले लेगा मिस्टर बी, कहेगा अरे ए का काम तो तूने कर दिया, मेरा काम क्यों नहीं किया भाई, तो उसका चमचा है वो तेरी फेवर करता है तो ए की बात सारी मानता है, मेरी क्यों नहीं मानी, तुमने देखा ईगो हर्ट होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। और अगर ए के बजाय इसने बी का काम कर दिया तो ए की ईगो जो है इंजर्ड हो जाएगी, भाई मेरा काम नहीं करता ये बी का काम करता है,
इसको चार काम बोलता हूँ, सारे काम बी ही करता है, मेरे काम करता ही नहीं, मेरा जूनियर है मेरी बात नहीं मानता, समझ गए? तो ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ही आएगा। और क्या नुकसान हो सकता है? डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, ठीक है, लिख लो आंसरेबिलिटी। मतलब आंसरेबल ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है इन केस यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट फॉलोड। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं कर रहे तो आंसरेबल, वही सेम बात आ गई ना अभी जो हमने कहा था, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते तो आंसरेबिलिटी कैसे फिक्स करोगे, बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, राइट। चल फिर आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रिंसिपल आता है स्केलर चेन, बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। क्या कहता है? इट रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इन स्ट्रेट लाइन। दिस चेन मस्ट बी फॉलोड इन ए स्ट्रिक्ट मैनर। समझते हैं अभी इसको, पहले प्रैक्टिकली समझते हैं फिर इस लाइन को रिपीट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। स्केलर चेन प्रिंसिपल कहना चाहता है कि ए जो कि टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, अगर उसको मान लो जी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकता है, फोन पे भी कह सकता है जी को भैया काम कर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्या करना है? ए इंस्ट्रक्शन देगा बी को, बी इंस्ट्रक्शन देगा सी को, सी देगा डी को, डी देगा ई को, ई देगा एफ को, और एफ देगा जी को। इतनी लंबी चेन, अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? आजकल तो सर नया जमाना है, सर व्हाट्सएप का जमाना है, आजकल तो ग्रुप बनाया कड़क डाल दिया। अभी बताते हैं क्यों स्केलर चेन फॉलो होता है, ध्यान से समझना। अब जी को मान लो रिस्पॉन्स देना है तो जी डायरेक्टली ए को कॉल करके नहीं बताएगा जी काम हो गया, जी बताएगा एफ को, एफ बताएगा ई को, ई बताएगा डी को, डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को, और बी बताएगा ए को। अब ध्यान से देखो, यहां पर चेन भी बन गई, देखो ये चेन बन गई, एक ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, ये चौथा गोला, ये पांचवा गोला, बन गए चेन, देखो बन गए ना चेन। और बीच में देखो स्केल भी फॉलो हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहां पर स्केल भी फॉलो हो रहा है और चेन भी फॉलो हो रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया स्केलर चेन। समझ आए? अब दोबारा से लाइन पढ़ो। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, ये फॉर्मली तो लाइन ऑफ अथॉरिटी है भाई, ए बी का सीनियर है, बी सी का सीनियर है, सी डी का सीनियर है, तो फॉर्मल अथॉरिटी है यहाँ पर, फॉर्मल लाइन है। विच मूव्स हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, हमने कहा ना हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक स्ट्रेट लाइन में चलती है। और स्केलर चेन में हेनरी फ्योल ने कहा इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, मतलब ईच कम्युनिकेशन must move from top to bottom and vice versa in a straight line। ये बात हमने बोली कि अगर A ने कोई communication करना है top से bottom straight line में communication होगा, और reverse भी ऐसे ही जाएगा। The important condition here is that no step should be overlooked during communication। ऐसा नहीं है कि इस line of communication में आप C को भूल गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है, आप बीच में C को भूल गए, C को हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना, ये आपको पूरी स्केलर चेन के भांति फॉलो करनी है। ऐसा क्लियर? अभी तक समझ नहीं आया होगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी फायदे देखते हैं इसके, आपको समझ आ जाएगा क्या फायदे हैं और नुकसान क्या है ना फॉलो करने। देखो पहली बात, अगर आप इस स्केलर चेन को फॉलो करते हो तो ऑर्डरली इंफॉर्मेशन होगी, मतलब ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, एफ को, यानी जी का सीनियर कौन है एफ, यानी एफ को भी पता है जी क्या कर रहा है, ई को भी मालूम है जी क्या कर रहा है, डी को भी मालूम है, सी को भी मालूम है, डी को भी मालूम है, तो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरली फ्लो करनी चाहिए ताकि बीच में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मालूम हो कि उनका जूनियर क्या कर रहा है। दूसरा फायदा, बेटर रिलेशंस बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। देखो जी को अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ए से, मान लेते हैं आपकी बात डायरेक्ट दे देनी चाहिए, सोचो क्या जी एफ की रिस्पेक्ट करेगा? चलो आपके स्कूल से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके क्लास में, आपके स्कूल में कोई बच्चा है जिसकी पेरेंट्स में से कोई टीचर है, या प्रिंसिपल से सीधी जान पहचान है, वो प्रिंसिपल से बात कर सकता है,
अगर कोई बच्चा सीधा प्रिंसिपल से डायरेक्टली बात कर सकता है, मान लो कि फैमिली रिलेशन है, तो क्या वो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा? सोच के देखो, नहीं करेगा। इसको पता है, बोलेगा मेरी तो प्रिंसिपल पे चलती है भाई, मैं क्यों सीधी सीधी बात करूँ टीचर, मैं तो सीधा प्रिंसिपल से बात करूँ। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, अगर कम्युनिकेशन सीधा चला जाएगा तो जी कभी भी एफ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, समझ गए? अगर एफ को इंस्ट्रक्शन जो है ए के साथ लिंक है बात करने का, तो वो अपने सीनियर ई डी सी डी की कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो इनके बीच में रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, क्विक सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम तीसरा फायदा, पहला फायदा ये था, दूसरा क्विक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? बहुत आसान तरीका, जैसे क्यू को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर पी बैठा हुआ बॉस है, इससे पूछ लेगा भाई क्या हो। मान लो पी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका बॉस है ओ, उससे पूछ लेगा। अगर ओ को कोई प्रॉब्लम आती है एन से पूछ लेगा, एन को प्रॉब्लम आती है एम से पूछ लेगा, एम को प्रॉब्लम आती है एल से पूछ लेगा। मतलब कहने का पर्पस ये कि हर एम्प्लॉय के ऊपर एक सीनियर होगा सॉल्यूशन करने के। वाओ क्या बात है, यानी कि चेन कितनी भी लंबी चली जाए, कितने भी लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएटली किया जा सकता है, क्योंकि हर जूनियर का एक सीनियर होगा, और वो तभी होगा जब आप इस स्केलर चेन को फॉलो करोगे। अगर आपने इस चेन को तोड़ दिया तो कौन किसका सीनियर, कौन किसका जूनियर पता ही नहीं चलेगा, कौन किससे पूछेगा, कौन किसको कहेगा, कौन किसको आंसर देगा, ये भी मिक्स हो जाएगा, समझ गए बात? इसीलिए हेनरी फियोल का कहना था कि भैया स्केलर चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नेगेटिव फैक्टर्स क्या होगा अगर हम इसको फॉलो नहीं करते? डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग का मतलब है डिसीजन मेकिंग करने में डिले होगा ही होगा, नो डाउट डिले होगा ही होगा। भाई स्केलर चेन फॉलो कर रहे हो आप, स्केलर चेन फॉलो कर रहे हो आप, तो भाई अगर ए ने जी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो ए किसको देगा पहले? बी को। बी किसको देगा? सी को। सी किसको देगा? डी को। डी किसको देगा? ई को। ई किसको देगा? एफ को। एफ किसको देगा? जी को। अरे भाई एक इंफॉर्मेशन देने के लिए इतना लंबे समय, तो इसको आप कह सकते हो इस प्रिंसिपल का साइड इफेक्ट। क्या कह सकते हो? साइड इफेक्ट, समझ गए मेरी बात? अब जी को भी आंसर देना है ए को, तो भैया वो घूम 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 के जाएगा, तो भाई दिक्कत तो आएगी, तो ये साइड इफेक्ट है। और क्या हो सकता है? हार्मनी अमंगस्ट इमीडिएट सुपीरियर डिसअपीयर, यानी कि जो इन सीनियर और जूनियर के बीच में जो हार्मनी है, जो एक रिलेशनशिप होता है फॉर्मल, वैनिश, खत्म हो जाएगा। अभी एग्जांपल दिया था ना, अगर जी का डायरेक्ट लिंक ए से है तो भाई वो एफ के रिस्पेक्ट क्यों करेगा, और अगर वो एफ के रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो एफ और जी के बीच में जो हार्मनी है, जो रिलेशनशिप है फॉर्मल, वो खत्म हो जाएगा, फिर काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Is that clear? काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। So this is called scalar chain. अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आता है गैंग प्लैंक, मतलब ध्यान से देखिए इस चार्ट के अंदर में एक और पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो है गैंग प्लैंक। इसका क्या मतलब है? देखो हमने देखा कि मान लो जी से क्यू पर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो जी क्या करेगा? एफ को देगा, एफ बी को, ई बी को, डी सी को, सी बी को, फिर ए, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू। अरे भाई कितनी लंबी चेन हो गई। तो हेनरी फियोल ने एक सॉल्यूशन भी दिया गैंग प्लैंक का। इसका क्या मतलब होता है? गैंग का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। प्लैंक का मतलब होता है कच्चा पुल, ब्रिज। कच्चा पुल मतलब इसको टेम्पररीली यूज किया जाता है, समझते मेरी बात? पक्का पुल नहीं है ये कि आप इसको डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। एमरजेंसी में जिसको यूज किया जाता है वो बेसिकली उसको कच्चा पुल कहते हैं, है ना? डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफरेंट, आपको लगता है एमरजेंसी आ गई, आप उसको यूज कर लो, तो तब किया जा सकता है। तो हेनरी फियोल ने कहा कि अगर एफ चाहे तो पी से बात कर सकता है गैंग प्लैंक बनाकर। आपने देखा होगा यहाँ पर ना, इस ये जो लाइन मैंने खींची है डॉटेड लाइन है, दिखाऊं मैं आपको? देखो ये डॉटेड लाइन है ना। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि भैया ये कभी कभार यूज होगा। डॉटेड लाइन है ना ये, हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब एक फिक्स लाइन नहीं है। दिस इज डॉटेड लाइन, दैट मीन्स इट शुड बी यूज इन एमरजेंसी सिचुएशन। अब
एफ जो है, मैनेजर एफ जो है वो बी से बात कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन गैंग प्लैंक के लिए कुछ सिचुएशन है। जैसे गैंग प्लैंक हम कब यूज कर सकते हैं? व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, पहली बात, या फिर मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हो। तीसरी कंडीशन, मैनेजर्स आर एट सेम लेवल, मैनेजर सेम लेवल पर होने चाहिए। सो व्हेन टू यूज गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक आप कब यूज कर सकते हैं, यानी दो मैनेजर कब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन? उसके लिए तीन कंडीशन कंपलसरी है। नंबर वन, देर इज एन एमरजेंसी सिचुएशन। नंबर टू, मैटर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। नंबर थ्री, मैनेजर्स आर एट सेम लेवल, मैनेजर सेम लेवल पर होने चाहिए, मैटर बहुत इम्पॉर्टेंस रखता हो जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, और एमरजेंसी सिचुएशन हो, अलार्मिंग सिचुएशन हो, जिसमें स्केलर चेन को फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल। इज दैट क्लियर? तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं गैंग प्लैंक। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल्स खत्म होता है स्केलर चेन, और अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इट मींस दैट व्हेन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। यानी कि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो क्या होगा? अथॉरिटी का मिसयूज होगा। और अगर अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो आदमी काम नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, राइट? तो स्केलर चेन का ये कहना था, ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, है ना? पावर ज्यादा दे दी, जिम्मेदारियां कम है तो मिसयूज हो गई होगा, मैनेजर अपना फायदा उठाएगा उससे। और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा दे दी और पावर नहीं दी अपने काम करने की, तो वो काम कैसे करेगा ऊपर? इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है ये स्टेट करता है, ये बताता है कि दे शुड गो हैंड इन हैंड, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ चलना चाहिए। अब इसके फायदे और नुकसान देखते हैं क्या होते हैं। पहला फायदा, हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। अगर अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दी जाएगी तो टारगेट अचीव करना काफी आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय को पावर मिलती है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की उसमें क्षमता आती है। नेगेटिव फैक्टर, अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा या इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन देन रिक्वायर्ड। अगर आपने पावर ज्यादा दे दी, ठीक है, जितने की जरूरत नहीं है, राइट, तो उसका मिसयूज हमेशा होगा ही होगा। इन केस ऑफ लेस अथॉरिटी इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट। अगर आपने अथॉरिटी कम दी तो टारगेट को अचीव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। एंड कैनॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी गिवन। अथॉरिटी के बेसिस पर आप आंसरेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते, ठीक है? कैनॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी गिवन, यानी केवल अथॉरिटी देने से, पावर देने से आप किसी की जिम्मेदारी को फिक्स नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए दोनों में पैरेलल यानी कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है, दोनों को पैरेलल चलाना चाहिए। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, ये कहना था स्केलर चेन। अगला प्रिंसिपल आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है सरेंडर। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब आप कह सकते हो पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब कह सकते हो आप ग्रुप इंटरेस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ठीक है?
इससे आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। हेनरी फ्योल का ये कहना था कि अगर मान लीजिए कि दो सिचुएशन आ जाए, एक में आपका पर्सनल इंटरेस्ट है और एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, तो आपको पहले किसके बारे में सोचना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मिस्टर सिंह है, मिस्टर सिंह ठीक है, जो कि एक कंपनी में मैनेजर है। इनका एक फैमिली फंक्शन था, चंडीगढ़ में फैमिली फंक्शन था। मिस्टर सिंह ने परमिशन ली, यानी टू लीव एप्लीकेशन होती वो दी कंपनी में कि भैया मैं इतनी छुट्टी करूंगा, मुझे फैमिली फंक्शन में जाना है। मिस्टर सिंह सुबह सुबह दिल्ली से निकले करीब 7 बजे और 11 बजे के अराउंड वो चंडीगढ़ पहुंच गए। 4-4.5 घंटे ही लगते हैं ठीक है। चंडीगढ़ पहुंच गए फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, लेकिन वो जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे उनको खबर मिली कि कंपनी के अंदर में फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। अचानक से मीटिंग आ गई, उनको इस बारे में पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कंपनी को भी नहीं थी। फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, उन्होंने कहा जी हम आज ही मीटिंग करेंगे, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना था जिसमें मिस्टर सिंह का होना बहुत जरूरी था। अब यहां पर मिस्टर सिंह के पास दो सिचुएशन आ गई, पहली पर्सनल इंटरेस्ट, क्या भैया फैमिली फंक्शन, अच्छा बुरा भी नहीं है क्योंकि वो परमिशन लेकर आए हैं और उनको पता भी नहीं था, छुट्टी लेकर आए हैं तो गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, वो आराम से अपना फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। दूसरा है कंपनी का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कि भैया वापस आओ और मीटिंग अटेंड करो। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मिस्टर सिंह, उनको फैमिली फंक्शन अटेंड करना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के लिए वापस दिल्ली आना चाहिए, बताइए। पॉज कर दो इसको, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करना चाहिए, कर दिए कमेंट। अब सर कुछ कहेंगे भैया पर्सनल इंटरेस्ट उनको फॉलो करना चाहिए, भैया काम तो जिंदगी भर होता रहेगा, भाई कंपनी के काम भी कभी खत्म हुए क्या, कभी खत्म नहीं होते, तो उनको आराम से चंडीगढ़ वो पहुंच चुके हैं, अपने घर का फैमिली फंक्शन अटेंड करना चाहिए, भंगड़ा पाना चाहिए, ओए बल्ले बल्ले है ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर उनको वापस आना चाहिए और कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, जिसका नमक खाया है उसके लिए मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो मिस्टर सिंह ने क्या किया, मिस्टर सिंह ने सोचा भाई फैमिली फंक्शन है, भंगड़ा पाना यार दोपहर को नहीं रात को डाल देंगे, क्या फर्क है भाई, फैमिली तो फैमिली है ना यार, रात को भंगड़ा पा लेंगे क्या फर्क पड़ेगा। वो वापस दिल्ली आ गए, दिल्ली आए उन्होंने अपनी मीटिंग अटेंड की और वहां से मीटिंग अटेंड करके शाम को फिर वापसी निकले चंडीगढ़ के लिए और रात को आकर के पूरे फैमिली के साथ में बल्ले बल्ले की। अब रिजल्ट क्या निकला, जो फॉरेन डेलीगेट के साथ मीटिंग थी उसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और कंपनी ने मिस्टर सिंह को मैनेजर से जनरल मैनेजर बना दिया, उनकी पोस्ट बढ़ा दी, उनका प्रमोशन कर दिया। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सरेंडर करके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फेवर करना। अब आप बोलेंगे सर क्या ये हर बार जरूरी होता है, क्या ये ऐसा हमेशा ही करना चाहिए। देखो अभी मैं इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान आपको बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हमें, देखो कई बार सिचुएशन इम्प्रैक्टिकल होती है, पॉसिबल नहीं होती है। मान लो वो चंडीगढ़ ने अमेरिका में होते तो थोड़ी आ जाते 4 घंटे में, दैट इज डिफरेंट सिचुएशन, बट जो फिजिबल है जो पॉसिबल है वो जरूर करना चाहिए, हेनरी फ्योल का ही कहना ठीक है। अगर फिजिबल है वापस आकर मीटिंग अटेंड करना तो जरूर करना चाहिए। अब इसके फायदे नुकसान हम देखते हैं ठीक है सर, उसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप देसी भाषा में समझा करके डिफिकल्ट लैंग्वेज क्यों देते हैं, बेटा ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं और जो केस स्टडीज आएंगे ना उसमें ऐसी ही लाइनें लिखी हुई आएंगी, जैसे द इंटरेस्ट ऑफ
इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉई। देखो वही बात, सिर्फ लैंग्वेज बदल दी है, समझ गए मेरी बात, लैंग्वेज थोड़ी बदल दी है। इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉई। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल है, अभी हम मिस्टर सिंह का एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर अमेरिका परचेज स्टील फ्रॉम फॉर द कंपनी फ्रॉम मिस्टर हनुमान हु इज द सन ऑफ मिस्टर अमेरिका एट ए हायर रेट देन अवेलेबल इन द मार्केट। दिस इज हाईली अनडिजायरेबल। मतलब मिस्टर अमेरिका कंपनी में काम करते हैं एंड ही इज ए परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर का क्या काम होता है, कंपनी के लिए सामान खरीदना चीप रेट पर, बेस्ट क्वालिटी का, राइट। तो मिस्टर अमेरिका को स्टील परचेज करना था कंपनी के लिए, ठीक है। और मान लीजिए मिस्टर अमेरिका को जो स्टील मिल रहा था बाहर से, वो मिल रहा था 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब इनका बेटा जो सन है वो भी स्टील का बिजनेस करता है। मिस्टर अमेरिका ने क्या किया, अपने ही सन से इसको खरीदा और रेट था 110 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, हायर रेट। बोलते क्या ही फर्क पड़ेगा कंपनी को यार, 10 रुपए तो महंगा है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि वो परचेज मैनेजर है, उनके पास पूरी पावर है इसको खरीदने। अब यहाँ पर मिस्टर अमेरिका ने अपना फायदा सोचा बजाय कंपनी के फायदे, तो क्या ये प्रिंसिपल वॉलेट नहीं हो रहा। मिस्टर अमेरिका सोच रहे अरे क्या ही फर्क पड़ता है, 10 रुपए यूनिट तो ज्यादा ले रहे हैं यार, कोई नहीं, मेरे घर में पैसे तो जा रहे हैं, बेटे का बिजनेस तो बढ़ रहा है। तो ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर प्रिंसिपल सीधा सीधा वॉयलेट हो रहा है, सीधा सीधा वॉयलेट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, अच्छा ऐसा ही एग्जाम्पल आपको ना एग्जाम में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है, तो आप समझ जाओगे ना कौन सा प्रिंसिपल है। मिस्टर सिंह का एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, वहां पर पूछा जाएगा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, राइट। तो दोनों सिचुएशन आपको मैंने बता दी, लेट्स सी इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। अगर हम फायदे नुकसान की बात करें इस प्रिंसिपल को फॉलो करने, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आपके पास। माई नंबर इज 9999005981, ठीक है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल डिस्कस विद यू, आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। इसके फायदे और नुकसान देखते हैं जरा, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। एवरीबडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। देखो अगर कंपनी को फायदा होगा तो सबको फायदा होगा। अगर हर बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि पहले कंपनी का फेवर करूंगा बाद में अपना, तो नेचुरल सी बात है कंपनी ग्रो करेगी, और जब कंपनी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि हर कोई बंदा ग्रो करेगा। दूसरा फायदा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो तभी अचीव हो पाएगा जब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के लिए सोचेगा। तीसरा फायदा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है, मिस्टर सिंह का एग्जांपल लेते हैं। चंडीगढ़ से वापस आए, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा सोचा, लेकिन क्या उनका खुद का जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ करने का, प्रमोशन का, क्या वो साथ में अचीव हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का भी और उनका खुद का भी। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो हमारे खुद के जो टारगेट होते हैं लाइक प्रमोशन, करियर अचीवमेंट, है ना, सैलरी इंक्रीमेंट, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का भी और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का भी। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, ह्यूमैनिटी वॉयलेटेड। सबसे पहले ह्यूमैनिटी वॉयलेट होती है, मतलब क्या, देखो सबसे पहले एक ऐसे ह्यूमन आप गलत काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप
पहले अपने बारे में सोच रहे हो। जैसे मिस्टर अमेरिका ने सोचा, भाई मेरा फायदा हो रहा है, कंपनी जाए बाहर में। तो मानवता के नाम पर ही गलत है कि नहीं है? नमक हरामी बोलते हैं इसको देसी भाषा में, बोलते कि नहीं बोलते? तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव फैक्टर हो गया। दूसरा, जेलसी इंक्रीज होती है। ये कैसे हो गई? देखो, जब एक आदमी गलत काम करके कंपनी में कमा रहा होता है ना, वो ग्रोथ कर रहा होता है गलत काम से, तो दूसरा जो ईमानदार आदमी होता है कहीं ना कहीं उसको जेलसी भी होती है यार। इसलिए नहीं कि सामने वाला गलत काम कर रहा है, सामने वाला ग्रो तो कर ही रहा है ना भाई, गलत काम से ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईमानदार आदमी होता है उसके मन में जो है ना बहुत जेलसी पैदा हो जाती है कि देखो यार कंपनी कुछ कर नहीं रही है, ये पैसा कमा रहा है, कंपनी को चपत लगा रहा है। अच्छा, जो ईमानदारी से काम कर रहा है नुकसान तो उसका भी होगा, क्योंकि जो बेईमान आदमी है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस रुकेगी और उससे कहीं ना कहीं ईमानदार आदमी की प्रोग्रेस भी रुकेगी। तो जेलसी इंक्रीज होना तो लाजमी है, राइट? हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रुकावटें आएंगी ही आएंगी, हिंड्रेंसेस आएंगी आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। अगर हर कोई केवल अपने फायदे के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो, इसलिए हेनरी प्योल का कहना था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट सरेंडर करना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए, तो आपको उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। इनिशिएटिव लेना, यानी कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लेते हो तो अपने जूनियर को अपॉर्चुनिटी दो, उनसे फीडबैक लो, डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल करो। ठीक है? देखो, खोटा सिक्का भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अब आप बोलोगे सर एम्प्लॉई क्या ही आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, वो अपनी बातें चलाएंगे। देखो, कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी बात आ जाती है जो आपके लिए बहुत काम की होती है। अब देखो, इससे फायदा क्या होता है? अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, आप अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देते हो प्लान बनाने के लिए, उनसे पूछते हो, उनसे राय लेते हो, फीडबैक लेते हो, तो क्या फायदा होगा? पहला फायदा, इंक्रीज इन दी थिंकिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है ना, देखो आपने एम्प्लॉयज को बोला कि कल मीटिंग है, कल हम डिस्कस करेंगे कि भैया हमें प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना है, तो भाई सारे एम्प्लॉयज सब दिमाग लगाएंगे रात को बैठ करके, यार मैं भी कोई बात तो रखू, और एक बात तो मेरे दिमाग में भी आ रही थी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की, चलो कल मीटिंग में रखूंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे राय, ऐसे सोल्यूशन, ऐसे फीडबैक मिल ही जाएंगे आपको, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव। वैसे भी कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन, तो सुन तो लेना ही चाहिए कम से कम। भाई ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल एम्प्लॉयज को या जो डिसीजन ले रहे हैं उनको बाकी सबका फीडबैक सुन जरूर लेना चाहिए। एटलीस्ट उनको ये तसल्ली तो हो जाती है हमारी बात सुनी गई, समझ गए मेरी बात। तो थिंकिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ती है। दूसरा फायदा क्या होता है? इंक्रीज इन दी सेंस ऑफ अटैचमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी लगता है कि, मतलब जितने लोग होते हैं उनको लगता है कि हाँ यार हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है। जैसे कुछ बच्चे घर में होते हैं ना, अगर उनसे पेरेंट्स पूछ ले, बताओ बेटा कौन से रंग की कार लेकर आए, बताओ टीवी कौन सा ले, तो बच्चों को भी लगता है ना कि हाँ भाई हमारे घर में कुछ वैल्यू है, हमसे पूछ करके कोई काम किया जाता है, तो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट आती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, अगर उनसे पूछ करके डिसीजन मेकिंग ली जाती है ना, किया जाता है, तो उनको भी लगता है यार हम भी इस फैमिली का एक हिस्सा है, तो वो भी डेडिकेट होकर के काम करते हैं और इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ठीक है? तीसरा फायदा, इंक्रीज क्रिएटिव एंड गुड फीडबैक। कई बार आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और गुड फीडबैक मिल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो उन डेली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में कोई ना कोई क्रिएटिव और गुड फीडबैक होता है। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, इनिशिएटिव को, यानी कि आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हो प्लान को एग्जीक्यूट करने में, प्लान को बनाने में, उनसे फीडबैक लेते हो, उनसे राय लेते हो, तो आपको बहुत बार बहुत ही क्रिएटिव और गुड फीडबैक मिल जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन।
मान लीजिए आपने कोई डिसीजन ले लिया और आपने बोल दिया जी कल से ऐसा करना है, भले ही आपके डिसीजन बहुत फायदेमंद हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन नॉन कोऑपरेशन आ ही जाता है। बोलते अरे हमसे थोड़ी पूछा था, कर दिया, हमसे पूछ तो लेते एक बार, हम भी कोई सजेशन दे देते। तो एम्प्लॉई के मन में एक नॉन कोऑपरेशन की भावना आ जाती है ना। वो भी कहते अरे यार हम भी तो फैमिली का हिस्सा थे, हम भी तो काम करते हैं, हमसे भी पूछ लेते, हम इससे बढ़िया रास्ता दिखा देते, पूछने में क्या ही जा रहा था भाई। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो या रूटीन में इसको फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। दूसरा नुकसान, क्रिएट ए सेंस ऑफ इग्नोरेंस। उनको ये फील होता है यार हमें तो इग्नोर मार दिया भाई, हम 15 साल से काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, बारिश में भी आते हैं, सर्दी में भी आते हैं, बुखार में भी काम करते हैं, जब जरूरत पड़ती तब भी काम करते हैं, भैया हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं कंपनी के अंदर। अरे पूछने में थोड़े कुछ जा रहा था, पूछ तो सकते थे ना कम से कम, भले ही ना करते। तो उनको लगता है कि हमें तो इग्नोर ही कर दिया भाई, इतने साल से काम कर रहे थे, हम इतनी मेहनत करके काम करते हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इग्नोरेंस आ जाती है। ठीक है, तो भैया बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि इनिशिएटिव प्रिंसिपल को जरूर यूज करना चाहिए, आपको बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स मिलेंगे। चलो बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं अगली क्लास में आपके साथ शेयर करते हैं। इन सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो की लाइंस मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, वो जरूर आप बार बार रिकॉल करें, क्योंकि केस स्टडीज में यही की लाइंस आएंगी जिससे आप प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।